मध्य प्रदेश में भाजपा की बंपर जीत के बाद कांग्रेस से बीजेपी में नेताओं का जाने का सिलसिला लगातार जारी है। एक के बाद एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। इसी क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का गढ़ कहलाने वाले छिंदवाड़ा में कई वर्षों के बाद विधानसभा चौराहे पर बगावत के सुर नजर आए। यहाँ कांग्रेस के नेता बंटी पटेल ने भाजपा का दामन थाम लिया है। चौराहे कांग्रेस से युवा कद्दावर नेता कहे जाने वाले नीरज बंटी पटेल ने टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ा था। आपको बता दें कि लंबे समय से बंटी पटेल के बीजेपी ज्वाइनिंग की चर्चा चल रही थी। ऐसे में उन्होंने भोपाल पहुंचकर बड़े नेताओं के समक्ष भाजपा की प्राथमिक सदस्य ली और उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं की कार्यशैली और राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। छिंदवाड़ा से मुकेश तिवारी की रिपोर्ट। चौरी विधानसभा से मैंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना चुनाव लड़ा था, जिसमें मुझे 19,761 मत मिले थे। आज मैं अपने समस्त साथियों के साथ 40-50 मेरे जो साथी हैं, इसमें जनपद के सदस्य हैं, सरपंच हैं, समन्वयक हैं, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के लोग हैं और क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी के लोग हैं छिंदवाड़ा ग्रामीण के चौरी विधानसभा के। आज हम सब ने माननीय हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी एवं हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे आदरणीय प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय बीडी शर्मा भाई साहब, आदरणीय हमारे जिले के अध्यक्ष बड़े भैया बंटी साहू जी, इनके नेतृत्व में आदरणीय बड़े भैया जी ठाकुर दौलत सिंह जी, सौरभ ठाकुर जी, इनके नेतृत्व में आज हमने भाजपा का दामन थामा है। और निश्चित तौर पे जैसा हमारे मोदी जी का संकल्प है, बीडी भाई साहब ने बोले थे कि 29 फूलों की जो माला है, कमल के फूलों की, वो हमें मोदी जी को समर्पित करना है। इसी कड़ी में हम सब पूरे कार्यकर्ता मिलकर आगे का जो संकल्प है छिंदवाड़ा लोकसभा में जो फतेह हमें हासिल करनी है, निश्चित तौर पे छिंदवाड़ा से मोदी जी के प्रतिनिधि के रूप में हम अपना यहाँ से एक हमारा कमल का फूल जो है 29 के 29 कमल के फूल मोदी जी को पहुँचे, इस संकल्प के साथ हमारे वरिष्ठ जनों के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं।